अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ और मैंने पिछले एक वीडियो में जो हमारा जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था कि गेट मेथड के थ्रू हम डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने ESP32 से, मतलब ESP32 के थ्रू डेटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपना ये हमारा MySQL डेटाबेस में। तो हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी, तो उसमें कुछ एरर्स आ रहे थे। जैसे कि बेसिकली एरर क्या था कि हमारा अगर हम हेलो लिख, जैसे कि हम कोई भी डेटा को स्पेस दे के, जैसे कि हेलो जी, मतलब कि हेलो देने के बाद हमने स्पेस दे दिया, तो हमारा डेटा जो था वो इंसर्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसमें कुछ इशूज़ थे, उस चीज़ को मैं सॉल्व करने के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को कैसे हम लोग इंसर्ट करवा सकते हैं अपने ESP32, मतलब कि अपने MySQL डेटाबेस में। मतलब कि एक पोस्ट मेथड की हम लोग API बनाएंगे, उस API से हम लोग कैसे डेटा को भेज सकते हैं अपने ESP32 के थ्रू, कैसे डेटा को भेज सकते हैं अपने MySQL डेटाबेस में। ओके गाइज, तो चलिए मैं सबसे पहले उस कोड को अपने ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कोड को बना के रखा है, उस एरर को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले मैं गेट मेथड वाला समझा देता हूँ कि हमारा जो एरर था क्या इशू था। वैसे वीडियो लंबी होगी, जो लोग सीखना चाहते हैं उसके लिए तो लंबी होगी ही, तो भाई सीखना है तो फिर वीडियो लंबी भी देखना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो हमारा इंसर्ट API था, उस इंसर्ट API में हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि गेट मेथड के थ्रू, जैसे हमारी API है, मतलब कि हम क्या करते थे कि हम यही चीज़ें करके एक बना के सिंपल सा यहाँ पे हम गेट मेथड के थ्रू डाटा लिखते थे और डाटा लिख के इज इक्वल टू करके हेलो भेज देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा स्पेस जैसे ही हम देते थे, तो स्पेस देने के बाद हमारा जो मेथड, जो मतलब कि होता है ESP32, हमारा वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा था। उसमें मतलब कि हमारा जो ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र हमारा अभी हम जैसे इंसर्ट करते हैं कि डेटा तो इंसर्ट हो जाएगा, ये चीज़ें डेटा इंसर्ट होने के बाद यहाँ पे स्पेस मतलब कि परसेंटेज 20 लग जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इंसर्ट कराया कोई डेटा, तो यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज एंड 20। तो ये चीज़ें हमारा जो डेटा था, मतलब कि ये जो हमारा कोड था, उस कोड में ये चीज़ें नहीं लग पा रही थी, इस वजह से हमारा एरर आ रहा था। तो अभी हमने यहाँ पे परसेंटेज 20 जो भी हमारा स्पेस रहेगा, हम चेकआउट करेंगे कि यहाँ बीच में अगर स्पेस है कहीं पे, तो अगर हमारा स्पेस होता है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे हमारे परसेंटेज 20 से। तो ये हमने कंप्लीट कोड यहाँ पे बना लिया है। इस कोड को भी आप लोग ले सकते हैं हमारे yarana.itguru.in वेबसाइट से जाके ले। तो ये कोड है, अगर आप लोग इसमें बेसिकली मैं अभी कोई सेंड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी डेटा को सेंड करता हूँ, हेलो yarana। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ हमारा जो ESP32 वो कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैं एक बार फिर से निकाल के इंजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा सीरियल मॉनिटर में वाईफाई कनेक्टेड हो गया। इंटर वैल्यू सेंड, मतलब कि कोई भी वैल्यू को हम सेंड करके भेज सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे ही हम इंटर करेंगे, तो ये वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जो हमारी वीडियो थी उसमें डेटा का ये एरर आ रहा था, इसी एरर को मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने हेलो yarana हाउ आर यू लिखा, मतलब कि हाउ आर करके मैंने सेंड कर दिया। जैसे ही मैंने सेंड किया, तो ये हमारा जो डेटा होगा ये हमारा सेंड हो जाएगा, और टाइम इस टाइम के साथ 12:28, तो इसी टाइम इस टाइम के साथ मेरा सेंड हुआ होगा। तो मैं चेकआउट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइमिंग कुछ गलत आ रही है, लेकिन यहाँ पे हेलो वेट हेलो yarana नो डेटा रिसीव। ओके, क्या इशू हो सकता है इसमें, मैंने ओके तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक किया था, मैंने पोस्ट मेथड कर दिया था, इसको मुझे गेट करना होगा क्योंकि हम गेट मेथड में कर रहे हैं तो गेट ही करना होगा। तो ये एरर था, इसको मैं यहाँ पे सही कर दे रहा हूँ। कुछ टेस्टिंग के लिए मैंने ये चीज़ें करी थी। अभी मैं फिर से डेटा को सेंड करता हूँ, हेलो yarana हाउ आर यू। ठीक है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है, अभी सेंड करते हैं। तो यहाँ पे जो एरर आए, अभी यहाँ देखते हैं सर्वर सेंड डेटा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली, एंड अभी हम चेक करते हैं हमारा जो MySQL डेटाबेस में ये डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हेलो yarana जो भी मैंने टाइप किया था वो चीज़ यहाँ पे सेंड हो गई है। और अभी चलते हैं हम पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को सेंड करते हैं अपने ESP32 को। ये जो हमारा ESP32 है, इससे हम लोग सेंड करेंगे डेटा को। तो कैसे करना होगा, उसके लिए भी मैंने कोड लिख के रखा। तो अभी हम चलते हैं, पहले कोड को ओपन कर लेते हैं। बेसिकली कोड लिखने से थोड़ा सा और भी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं कोड आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और कोड तो पहले समझा ही रहा हूँ क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो हो रही, मतलब कि 10-15 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो अभी हम पहले कोड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये जो हमारा पोस्ट मेथड का कोड है, तो पोस्ट मेथड का मैंने कोड बना के रखा है, और पहले मैं इस कोड को अपलोड कर देता हूँ। तो कोड को अपलोड करने से पहले हम क्या करेंगे कि पहले ये जो हमने API बना के रखी है, ये जो हम पहले API को ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जो पोस्ट इंसर्ट पोस्ट API.php के नाम से, तो इसमें क्या किया है, वही सेम चीज़ें हैं हमारी, बस यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट हो गया है। मतलब कि वही चीज़ें हैं, मतलब कि जो चीज़ें थी हमारी सारी वही हैं, बस गेट की जगह पे पोस्ट हो गया। और अगर हम वही सेम कोड का यूज़ करना है, बैकेंड का जो सेम कोड होता है वही सेम कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, बस गेट की जगह पे पोस्ट हो जाएगा। तो इसका हम लोग यूज़ करना है, मैंने अलग अलग इसलिए बना दिया कि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो अभी यहाँ पे हम जैसे पोस्ट मेथड के ओपन करते हैं, मतलब कि यहाँ पे पोस्ट मेथड वाली API को हमने ओपन किया, और यहाँ पे जैसे ही मतलब करते हैं तो यहाँ पे नो डेटा रिसीव का ऑप्शन आ रहा है। तो ये चीज़ें हमने मतलब कि अभी कोई भी डेटा हम सेंड नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी डेटा मिल नहीं रहा। तो अभी हम पहले इस API को चेक करेंगे अपने पोस्टमैन के थ्रू। तो पोस्टमैन के, जिन लोगों को नहीं पता है तो पोस्टमैन के ऊपर भी मैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो एक पोस्टमैन पे कैसे डेटा को सेंड किया जाता है, कैसे क्या चीज़ें करी जाती हैं, इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो मैं ला दूंगा। तो यहाँ पे मैंने पोस्टमैन को ओपन करके रखा है, एंड यहाँ पे इस URL को मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। एंड टाइप करने के बाद अब हमको डेटा को कैसे सेंड करना है, यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद हमको बॉडी के साथ, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया था, अभी हम चेक कर लेते हैं, पहले हम डेटा को कैसे यहाँ पे सेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंटेंट एक्स, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर उसके बाद www.form.url URL encoded मेथड के हम यूज़ करके हम इस डेटा को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं ही, हमको यहाँ पे फॉर्म URL encode मेथड। तो अभी हम पहले कीज़ को देखते हैं, हमारा की क्या है। तो की को हमने क्या किया, डिफाइन किया की डेटा, ये डेटा जो है हमारी की है, इसी की के थ्रू हम डेटा को सेंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डेटा, मतलब हमने की को यहाँ पे डाल दिया, ये जो हमने की है इस की को डाल दिया। और अभी हम जो भी डेटा को डालना चाहते हैं, मतलब कि हम लिख देना चाहते हैं सब्सक्राइब टू याराना IoT गुरु, ठीक है। अभी हमने जैसे यहाँ पे से, अभी हम इसको सेंड करेंगे, तो सेंड करने के बाद अभी यहाँ पे पहले चेक करवा दूँ मैं कि यहाँ पे कुछ कोई वैल्यू है नहीं। तो अभी हम पहले सेंड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेंड हमने कर दिया, एंड सेंड करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा इंसर्टेड हमको सक्सेसफुली शो हो जाएगा। तो अभी हम डेटाबेस में चेक करते हैं, तो डेटाबेस में चेक करने के बाद यहाँ पे सब्सक्राइब याराना IoT गुरु, सब्सक्राइब टू याराना IoT गुरु जो भी हमने लिखा था वो चीज़ यहाँ पे सो हो गई। तो अब हम चेक करते हैं कि हम अपने ESP32 के थ्रू डेटा को कैसे सेंड करेंगे। तो पहले कोड को समझ लेते हैं कि हमारा कोड क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने पहले लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, फिर HTTPS क्लाइंट, मतलब इस क्लाइंट को, इस लाइब्रेरी का इंक्लूड किया, और हमारे वाईफाई क्रेडेंशियल को ऐड किया, और जो हमारी API, मतलब कि API एक कैर, मतलब कि एक वेरिएबल बना के हमने इस API को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। API को हमने बना लिया, मतलब जो भी हमने API बनाई थी उस API के URL को यहाँ पे हमने डाल दिया। एंड उसके बाद जो भी हमारा इनपुट वैल्यू होगा, मतलब कि जो हमारा सीरियल मॉनिटर में, जो भी सीरियल मॉनिटर में हम वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे, मतलब कि जो हमने डाला यहाँ पे लो जो भी है, मतलब कुछ भी हमने डाला, तो उस वैल्यू को यहाँ पे हम इसमें इस वैल्यू इनपुट वैल्यू में ले लेंगे। एंड लेने के बाद अभी तो पहले ऐसे ही जो भी वैल्यू है, मतलब कि कुछ इसमें ब्लैंक छोड़ दिया गया है। एंड उसके बाद हमने एक सेटअप बनाया है, सेटअप में क्या किया कि हमने वाईफाई SSID पासवर्ड को के साथ, मतलब वाईफाई के साथ कनेक्ट किया। एंड कनेक्ट करने के बाद हम हर 500 मिलीसेकंड पे चेक कर रहे हैं कि हमारा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं। तो अगर हमारा वाईफाई कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब कि वाईफाई कनेक्ट हुआ है कि नहीं, तो उसके बाद जैसे ही हमारा कनेक्ट हो जाता है, तो कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करा दे रहे हैं कि हमारा इंटर वैल्यू टू सेंड टू द सर्वर, मतलब कि कोई भी वैल्यू हम इंटर करिए, मतलब इंटर करें ताकि हम उस वैल्यू को सेंड कर सके अपने सर्वर पे। तो अभी हमने एक लूप लगाया है, लूप में क्या किया है, मैंने बेसिकली सीरियल, मतलब कि अगर हमारा सीरियल प्रिंट अवेलेबल, मतलब कि जो हमने सीरियल यहाँ पे मैंने मतलब कि डाला है, तो ये हमारा अगर अवेलेबल होता है, इसमें कोई भी डेटा होता है, तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू, जो इनपुट मेथड में हम इसको पहले ले लेते हैं, मतलब कि सीरियल में कोई भी डेटा स्ट्रिंग में इसको हम पहले रीड करा लेंगे, मतलब कि इसमें इनपुट वैल्यू में स्टोर करा लेंगे। एंड स्टोर कराने के बाद हम ट्रिम करेंगे, मतलब कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें है तो नहीं, कोई स्पेस वगैरह तो हमने नहीं डाल दिया, मतलब कि स्पेस का मतलब यह होता है कि जैसे टेक्स्ट को लिखने के बाद का जो स्पेस होता है उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसको यहाँ पे ट्रिम कर देगा। एंड ट्रिम करने के बाद अभी हम चेक करेंगे वाईफाई कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली, मतलब कि वाईफाई कनेक्टेड है, अगर इफ हमारा वाईफाई कनेक्टेड है तो हम क्या करेंगे, HTTP क्लाइंट के थ्रू एक HTTP रिक्वेस्ट लगाएंगे। HTTP रिक्वेस्ट
लगाने पे हम क्या करेंगे, सर्वर नेम मतलब कि जो हमारा सर्वर नेम URL जो होता है, ये हमारा सर्वर नेम है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका नाम वेरिएबल में सर्वर नेम ही डिफाइन कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हम सर्वर नेम हमने कर दिया, और उसके बाद एक हेडर ऐड हेडर मतलब कि HTTP के साथ हमने एक हेडर को ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट टाइप मतलब कि कंटेंट टाइप कैसे रहेगा हमारा, एप्लीकेशन एक्स उसके बाद _W जो हमने अभी पोस्टमैन के थ्रू यूज़ किया था। यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टमैन दिखा देता हूँ, पोस्टमैन के थ्रू जो भी हमने अभी यूज़ किया था हेडर के थ्रू मतलब एक बॉडी बनाएंगे, बॉडी के थ्रू हमने इस डेटा को पास किया। ये जो होता है हमारा एक सिक्योर मेथड होता है, इस मेथड को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि इस मेथड का यूज़ करके हमने डेटा को जो हमारे स्ट्रिंग है मतलब कि एक की हो गई हमारी जो डेटा है, एक की हो गई, इस डेटा इज़ इक्वल टू इनपुट वैल्यू, जो भी हमारा वैल्यू होगा सीरियल मॉनिटर में उस इनपुट वैल्यू को यहाँ पे प्लस में ऐड कर दिया। एंड ऐड करने के बाद हम रिक्वेस्ट लगा रहे हैं पोस्ट मतलब कि पोस्ट मेथड के थ्रू हम इस रिक्वेस्ट को भेज दे रहे हैं, मतलब कि हमारा जो पोस्ट है http.post करके हमने इस रिक्वेस्ट को भेज दिया है। एंड भेजने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा हम चेक करेंगे कि HTTP रिक्वेस्ट भेज दिया, उसके बाद हमको रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो रिस्पांस कोड में अगर हमको पहले तो हम रिस्पांस कोड को शो कराएंगे कि हमारा HTTP रिस्पांस क्या हो रहा है। एंड अगर हमारा रिस्पांस सक्सेसफुली रहा मतलब सर्वर की तरफ से क्या रिस्पांस है, तो सर्वर का रिस्पांस कहाँ से आता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। सर्वर का रिस्पांस हमारा यही है जो इको कर रहे हैं हमारा मतलब कि जो इको कर रहे हैं यही हमारा सर्वर का रिस्पांस है, सक्सेस रिस्पांस एंड एरर रिस्पांस। तो हम अगर चाहे तो अगर हमारा एरर आता है तब भी यही सेम रिस्पांस मतलब कि सर्वर का रिस्पांस यहाँ पे मतलब कि जो प्रिंट होगा। एंड यहाँ पे सीरियल मॉनिटर में हमने सर्वर रिस्पांस करके अगर एरर आएगा तब भी प्रिंट होगा, सक्सेसफुल आएगा तब भी यहाँ पे प्रिंट होगा, और अगर कोई भी एक्स्ट्रा एरर मतलब कि जीरो से कोई दूसरा कोड आता है जैसे कि यहाँ पे 200 के जो हमारा HTTP रिक्वेस्ट लगाते हैं, तो उसका जो एक रिक्वेस्ट मेथड होता है मतलब 200 होता है, अगर 200 रिक्वेस्ट कोड होता है तो हमारा जो मतलब कि वो वेबसाइट है मतलब जो हमारी URL है वो वैलिड है और रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने एरर को भी यहाँ पे HTTP रिस्पांस के थ्रू मतलब कि अगर कोई एरर आ जाता है तो हम एरर के थ्रू हम इस उसको शो करा लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम HTTP रिक्वेस्ट को यहाँ पे इस पर मतलब कि उसको रोक दे रहे हैं मतलब कि एंड ख़त्म कर दे रहे हैं, और भी हमको कोई चीज़ें नहीं भेजना है। तो उसके बाद हम सीरियल वाईफाई अगर नहीं कनेक्टेड है तो ये भी चीज़ अभी हमने यहाँ पे चेक किया ना वाइल लूप लगा के कि हमारा वाईफाई स्टेट कनेक्टेड है, तो हमारा ये चीज़ें यहाँ पे इल्स कंडीशन में चेकआउट हो रही है कि यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्टेड है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर हमारा सक्सेसफुली सभी कुछ रहा तो यहाँ पे इंटर नेक्स्ट वैल्यू सेंड टू सर्वर मतलब कि कोई भी हमने वैल्यू मान लो यहाँ पे है कुछ भी लिख देता हूँ मतलब कि याराना लिख दिया, बस स्पेस याराना लिख के हमने सेंड कर दिया। सो वेट, तो याराना लिख के जैसे ही हमने सेंड किया तो हमारा ये इंसर्ट हो गया है, और इंसर्ट होने के बाद ठीक है इंसर्ट हो गया है, और इंसर्ट होने के बाद अभी हमने क्या किया यहाँ पे चेक करते हैं ठीक है। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पर हमारा चेक कर दें तो इंसर्ट हो गया है। एंड अगर हम कोई भी और भी वैल्यू को यहाँ पे हेलो अभिषेक करके हमने कर देते हैं तो ये भी हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हेलो अभिषेक करके हमने किया तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। तो ये रहा हमारा पोस्ट मेथड का कोड। तो पोस्ट मेथड का कोड अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ये भी कोड ले सकते हैं, और बैकएंड का कोड हम लोग वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा गेट API थी, गेट मेथड की जो API थी, इसके जहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, यहाँ पे गेट गेट लिखा है, यहाँ पे गेट लिखा है, इसके जगह पे हम पोस्ट कर देंगे तो हमारा जो URL मतलब कि जो वैल्यू होगा वो मतलब कि अच्छे से इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं अब लाऊंगा कि और भी चीज़ें वीडियोस आने वाली हैं जैसे कि बेसिकली और भी चीज़ों पे जैसे सेंसर डाटा रीडिंग, और भी एक डैशबोर्ड बनाना, और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस आने वाली हैं। तो इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो अगर ये ट्यूटोरियल हमारा आप लोगों को पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा कमेंट कीजिए, मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और भी नए नए ट्यूटोरियल्स को बनाने में। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो और आप लोग ये कोड लेना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक नए ट्यूटोरियल में, और हमारा जो दूसरी वीडियो है जो हमारा प्रोजेक्ट के रिलेटेड वीडियोस हैं वो भी आने वाली हैं जल्दी। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।